1 minus 1, 1, 0, 2, 1, minus 1, 3. अब इसको हमने मल्टीप्लाई कर लिया, फिर वो चीज है आपने ये देखना अगर यहां माइनस है तो माइनस लगा दो, जैसे 1 मल्टीप्लाई 2 से कर लिया, 1 मल्टीप्लाई 2 माइनस 1 मल्टीप्लाई 1 फिर क्वेश्चन. अब फर्स्ट टू को आपने सेकंड का आंसर कर लिया जी बेटा, इसे अगर हम ब्रैकेट लगा लें तो बता लें आपको क्वेश्चन, फिर 1 मल्टीप्लाई माइनस 1, 1 मल्टीप्लाई माइनस 1, फिर माइनस 1 मल्टीप्लाई 3 से. इसका मतलब ये हुआ एक रो को आपने दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई करना है क्योंकि यहां कॉलम 2 है जी, तो फर्स्ट रो को दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई करना है. सेकंड कॉलम है, सेकंड रो है, इसको भी दोनों से मल्टीप्लाई करना है, फर्स्ट रो को पहली कॉलम से करना है, तो बिल्कुल सेकंड ठीक है ना. अब इसको फर्स्ट से भी और सेकंड से 1 मल्टीप्लाई 2 दोनों रो को पहले एक कॉलम से करना है जी, फिर 1 मल्टीप्लाई ये रो में जाएगा माइनस 1 माइनस 1 और प्लस 0 मल्टीप्लाई 3 3 तो 1 2 2 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 3 2 0 माइनस 1 प्लस 0 यहां आ गया 1 माइनस 4 2 और माइनस 3 ये आपका आंसर है.